दोस्तों आज का ये जो वीडियो है खास है आपके लिए और यहाँ पर आप कुछ नया सीखेंगे। हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं, ये डिफरेंट है पुराने वीडियो से। और यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं, जैसे अकाउंटिंग का, बायोलॉजी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, एजुकेशन, ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिलते हैं। जब आप इसका आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं SBL, ठीक है। तो उस SBL को बाद में आप डेला पे विड्रॉल ले सकते हो। ओके, तो आप कैसे करोगे हम यहाँ पर इसी वीडियो पर फ्रेंड्स हम बताएंगे आपको, और वीडियो के एंड में देखेंगे कि अमेजन गिफ्ट कार्ड को आप कैसे कैश पर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश दास, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग मेंटर। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन मिल रहा है उसको भी प्रेस करें, आगे से आगे जितने भी हम ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े वीडियोज बनाएं आपके पास पहुंच सके और आप देख सकें सबसे पहले। और दोस्तों चैनल पर जितने भी आपको वीडियोज मिल रहे हैं उसके जरिए आप ऑनलाइन पर काम सुलभ कर सकते हो, थोड़ा प्लेलिस्ट भी सीख लीजिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन जॉब्स मिल जाते हैं। वेबसाइट है SpitBall.co, इसी साइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल रहा है, उस पर आप डायरेक्टली इसी साइट पर आ सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली SpitBall.co पर जा सकते हो। ओके, तो फिर साइट का इंटरफेस कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, मेक मनी व्हाइल हेल्पिंग अदर्स विथ देयर होमवर्क। तो आपको जो होमवर्क के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आपको सॉल्व करना है, और उसके बदले आपको यहाँ पर पैसे जो है मिलते हैं। ओके, तो इस तरह से ही आपको नीचे क्वेश्चन मिल जाएगा। हम यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है साइनअप पर, ठीक है। साइनअप पर जाने के बाद आपको अकाउंट यहाँ पर बनाना है, ऊपर जो साइनअप देख रहे हो उस पर आपको क्लिक करना होगा, ये जो साइनअप आप देख रहे हो। ओके, जैसे आप क्लिक कर दोगे अगर ये मैसेज आपको दिखाई देता है इसको आपको क्लियर करना है। ओके, नहीं तो ये दिखाई नहीं देगा, तो आपको साइन अप विद गूगल करना है या फिर साइन अप विद ईमेल करना है, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले इसको एग्री करना है, जो ट्रांसफर सर्विस है स्पीडबॉल का, ठीक है। एग्री करने के बाद आपको साइन अप विद ईमेल या फिर गूगल करना है, हम साइन अप विद ईमेल करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर सबसे पहले आपका ईमेल आईडी जो है दे देना है। ओके, ईमेल आईडी देने के बाद नीचे आपको एक पासवर्ड रख देना है, ठीक है। पासवर्ड आपको नीचे कंफर्म कर लेना है, दोबारा देना है यहाँ पर पासवर्ड। देने के बाद ये जो कैप्चा है इसको आपको सॉल्व करना है, टिक करना है, टिक करने के बाद ये इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद आपको नीचे जो कंटिन्यू मिले आपको कंटिन्यू कर देना है। ओके, आपका ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक जो है आ गया है, इसको आपको देखना है और लिंक पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन लिंक पे आपको आपका ईमेल जो है कंफर्म कराने के लिए। ओके, देखिए ऊपर जैसे आप देख रहे हैं वेलकम टू स्पीडबॉल, इस तरह आपको एक ईमेल मिल जाएगा और नीचे आपको कंफर्म करना है, आपका ईमेल कंफर्म योर ईमेल पर आपको क्लिक करना है और आपको आपका ईमेल जो है इसी तरह कंफर्म कर लेना है। ओके, कंफर्म कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर जो है देना है। अगर ये ऑटोमेटिकली इंडिया नहीं आता है और 99 जो है कंट्री कोड है, अगर इंडिया ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, इस तरह आप जाके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ये तो ऑटोमेटिकली आ गया है। तो आपका मोबाइल नंबर जो है एंटर करना है, जो भी है मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। ओके, कंटिन्यू करने के बाद आपका आपका मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन कोड जो है आ जाएगा, देखिए हमारे फोन पे भी आ गया है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू करना है। ओके, इस तरह वेरिफिकेशन कोड जो है दे देना है, पुट करना है और कंटिन्यू करना है। कंग्रेट्स, यू आर रेडी टू स्टार्ट स्पीडबॉलिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं स्टार्ट। देखिए जब हम साइन अप कर दे तो हमें 100 SBL जो है मिल गया है। ओके, इस तरह आपको मिल जा रहा है, इसको आपको क्लोज करना है। देखिए SBL को आप बाद में डॉलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए 100 SBL जो है साइन अप बोनस यहां पर मिला है और 2.5 डॉलर जो है वो 100 SBL जो होता है 2.5 डॉलर होता है। ओके, आपको लॉगिन करने के लिए आपको जाना है लॉगिन पर। ओके, यहां पर आपको जो साइन अप किया था गूगल के थ्रू लॉगिन कीजिए, या फिर आपका ईमेल के थ्रू आप यहां पर लॉगिन कर सकते हो अगर ईमेल के थ्रू आपने अकाउंट बनाया है। ओके, आपको ईमेल आईडी देना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है, आपको पासवर्ड देना है और लॉगिन करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। ये कब लॉन्च हुआ है, देखिए 5 मिनट एगो 10 मिनट एगो 10 मिनट एगो। ओके, तो इस तरह से ही आप नया क्वेश्चन जो है ऊपर आ जाता है, देखिए। और यहाँ पर अमाउंट दिखाई देता है राइट साइड को करने के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ऑन 100 SBL, ऑन 60 SBL, 100 SBL जो है वो होता है 2.50 डॉलर। ओके, तो 60 SBL जो है
आपको यहाँ पर ऑन देखिए जस्ट ये 57 सेकंड है, कोई नहीं 1 मिनट के आसपास, 1 मिनट है वो ये लॉन्च ये क्वेश्चन जो है आ गया है, इसको आंसर देने के लिए आपको आंसर पे जाना है। और ये अगर आंसर ये पता है आपको यहाँ पर इसका आंसर तो आपको देना है, नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल का हेल्प भी ले सकते हो, हम आगे 2-3 एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। ओके तो ऑन 60 SBL यहाँ पर आपको दे सकते हो, देखिए कितना यूजर आंसर दे चुके हैं, आप यहाँ पर दे सकते हो +3 यहाँ पर इसी क्वेश्चन का, ये तो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन का 3 लोग यहाँ पर आंसर दे चुके हैं और ये ऑलरेडी सोल्ड हो गया, यानी ये खत्म हो गया इसका। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है, तो इसको आपको आंसर देना है। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है। तो कैसे करना है, हम यहाँ पर ये गूगल ओपन कर देते हैं, ठीक है, google.com ओके ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हम गूगल पर टाइप कर देते हैं हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ओके इसको हम सर्च कर लेते हैं, अभी क्या खारगा प्रसाद ओली जो जो भी है इसको आपको कॉपी करना है और आंसर पे देना है। ओके हम कॉपी कर चुके हैं और आंसर पर यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से आ गए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो नेपाल का क्वेश्चन था ये साइड में थोड़ा एरर आ गया था, क्योंकि साइड जो है फुली लॉन्च नहीं हुआ है, वो अभी बीटा वर्जन में है। यहाँ पर जो आप बीटा देख रहे हो, ठीक है, ये फुली लॉन्च होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बीच बीच में एरर दिख रहा है, तो फिर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको हम गूगल सर्च करते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके इसको हम सर्च कर लेते हैं, आ गया है जज वाशिंगटन, इसको हमें कॉपी करना है और इसको यहाँ पर आंसर देना है। ओके आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सेट भी कर सकते हो, आप इसके इसमें आपको अकाउंटिंग मिल जाता है, आर्ट्स, बायोलॉजी, ब्लॉकचेन, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या फिर एजुकेशन, ज्योग्राफी। अगर आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, आपको वो फिल्टर होके आ जाएगा कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद आपका अगर ज्योग्राफी चाहते हैं तो इसको आप सेट कीजिए, तो यहाँ पर ज्योग्राफी भी आ जाएगा। और ऊपर देखिए आप कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी ये दोनों मिल गए हैं, यानी यानी कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो चाहे तो आप ये को यहाँ पर काट भी सकते हो। ओके तो आपको जो भी आंसर्स आपको आते हैं उसको उनको देना है आपका, नहीं तो आप गूगल सर्च पे डायरेक्टली आंसर भी पा सकते हो यहाँ पर देने के लिए। तो हम चलते हैं अभी कि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोफाइल जो मिल रहा है, यहाँ पर आपका प्रोफाइल सेट कीजिए और यूनिवर्सिटी जो भी आपका है यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेट कीजिए। और मैसेजेस में हम जाकर देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर मैसेजेस मिलते हैं, हम यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो है आंसर देते हैं, तो उसका यहाँ पर मैसेज आ गया है। हम चलते हैं अभी माई वॉलेट के अंदर। ओके माई वॉलेट के अंदर यहाँ पर आपको बैलेंस देख सकते हो, टोटल बैलेंस क्या है और ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से आपको पैसे जो है मिलते हैं। और कैश आउट के अंदर जाके आप यहाँ पर पैसे जो है कैश आउट कर सकते हो। रिडीमेबल जो है ये 0 है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, तो हमारा ये जो 100 SB है $2.50 ये अभी साइनअप के तौर पे मिला है, तो 1000 SBL जब हो जाएगा तो आप $10 जो है ले सकते हो, 2000 जो SBL हो जाएगा आपको $25 ले सकते हो, 3000 पे $50 और 4000 पे $100 होगा। तो ये जो आप कैश आउट लोगे, आप अमेजन गिफ्ट कार्ड के तौर पे लोगे, अमेजन गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा, तो हम वीडियो के एंड पे बताएंगे कि अमेजन गिफ्ट कार्ड को आप कैसे कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके जिनको कैश है तो अमेजन गिफ्ट कार्ड को वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपका लोकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जॉब्स भी मिल जाते हैं, हम आपको दिखाएंगे दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर जो जॉब्स मिले देखिए हमारा लोकेशन जो है भुवनेश्वर है उड़ीसा का, तो भुवनेश्वर से जो भी है जॉब है भुवनेश्वर पर यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर ऊपर जॉब टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मिल गया है। तो ठीक है आप जो भी लोकेशन पर रहते हैं आपका लोकेशन के रिगार्डिंग आपको लोकेशन के अनुसार आपको जॉब जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके तो जो भी सब्जेक्ट का आंसर आप दोगे यहाँ पर ये जो है ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड है ये है, तो आपको ये जॉब जो है आपका लोकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर जॉब्स मिले। ठीक है दिन में आप इंडिया में रहते हैं, एशियन कंट्रीज है, तो दिन में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं रात में उसका डबल यानी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं क्वेश्चन, तो रात में यहाँ पर काम करना ईजी भी रहता है। तो हम अभी देखते हैं कि आप अमेजन गिफ्ट कार्ड को कैसे
कैश में कन्वर्ट करोगे। ओके तो आपको आपको जाना है गूगल पर और आपको टाइप करना है यहाँ पर जो सर्च यहाँ पर गूगल पे है, आपको यहाँ पर टाइप करना है अमेजन गिफ्ट कार्ड टू कैश कन्वर्टर। ओके तो आपको टाइप करना है अमेजन गिफ्ट कार्ड टू कैश कन्वर्टर, यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएगा, आपको किसी एक वेबसाइट को आपको पिक करना है। ओके तो एक वेबसाइट जो है जो आपको HTTPS जिससे जुड़े आपको वेबसाइट मिलते हैं उसी वेबसाइट पर ही आपको जाना है, क्योंकि HTTPS जो है वो सिक्योर रहता है। ओके तो एक जो भी वेबसाइट मिलता है आपको किसी जेन्युइन एक वेबसाइट पर जाना है HTTPS से जुड़े, तो जाने के बाद आपको जो भी आपका गिफ्ट कार्ड है चाहे वो अमेजन हो चाहे वो पेपाल से रिलेटेड हो चाहे वो फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड हो, तो उसी गिफ्ट कार्ड का नंबर जो है वहाँ पर पुट करना है और आपको कैश मिल जाता है, चाहे वो डॉलर पे आपको मिल सकता है किसी दूसरे करेंसी में या फिर INR पे आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप $10 जो है आप गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पूरे के पूरे $10 नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो गिफ्ट कार्ड टू कैश कन्वर्टर वाले हैं वो भी किसी को आपको फीस रखते हैं, उनका जो कि आपको को कैश देते हैं उसके बदले वो भी कुछ आपको फीस रखते हैं। अगर $10 आप गिफ्ट कार्ड कन्वर्ट करते हो कैश में तो उससे 7-8 सेंट 10 सेंट कुछ आपका फीस कट जाता है, यानी कि $9.9 समथिंग आपको मिल जाता है। ओके दोस्तों इसी तरह ये वेबसाइट जो है काम करता है, आप डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको ये साइट जो है अच्छा लगेगा और यहाँ पर अर्निंग आपका ग्रो करेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्रेंड्स लाइक कीजिए इस वीडियो को जरूर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, शेयर कीजिए आप आपका दोस्तों के साथ और इसी तरह सपोर्ट बने रखें हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।